दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है रनफोर्ट यूट्यूब चैनल पर, और मैं गुजरात में हूँ। गुजरात में इंटर सोलर है, और इसी इंटर सोलर में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन है, और एक नहीं करीब यहाँ ये छह चार्जिंग स्टेशन है। छह चार्जिंग स्टेशन के बारे में आज की इस वीडियो में पूरी चर्चा आपसे करेंगे। आप इन्हें कितने रुपए में खरीद सकते हैं, किस तरह से इन्हें यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हमने आपको चार्जिंग स्टेशन दिखाए, लेकिन उनसे किस तरह से डिफरेंट है, इनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसके बारे में पूरी तरह से आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो मेरे साथ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। अच्छा सर, जिस तरह से अगर हम बात करें तो हमने बड़े बड़े जो चार्जिंग स्टेशन है वो देखे, लेकिन आपके पास छोटे वाले चार्जिंग स्टेशन भी है। अच्छा, तो आपके पास छोटे वाले चार्जिंग स्टेशन सर, क्या डिफरेंट है इनमें, क्या टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज की गई है? चार्जर ना टोटल दो तरह के होते हैं मेजरली, एक एसी चार्जर होता है, एक डीसी चार्जर होता है। एसी चार्जर और डीसी चार्जर में जो फर्क है वो आपको ये समझना पड़ेगा। एसी चार्जर वो चार्जर होते हैं, जैसे अगर हम बात करें हमारे घर में एक कलर टीवी है, एलईडी टीवी है या एलसीडी टीवी है, एलसीडी टीवी के अंदर से एक तार निकली होती है जिसको हम कहते हैं 220 वोल्ट की पावर के किसी प्लग में लगाते हैं हम 5 एम्पीयर की, तो हमारा टीवी ऑन हो जाता है सर। लेकिन हमारे टीवी को 220 वोल्ट नहीं चाहिए होती, वो डीसी पे चलता है। डीसी का मतलब है लो वोल्टेज पे, करेक्ट है। तो उसके अंदर एक सर्किट लगा होता है जो सर्किट उसकी वोल्टेज को रेगुलेट करता है उस तरीके से जैसे कि हमारे टीवी को वोल्टेज चाहिए, करेक्ट है। अब बाहर से जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, उसके अंदर एक जो सर्किट लगा हुआ चार्जर वो काम कर रहा है। ऐसे ही हमारी हर गाड़ी, जो हमारी कार आती है या हमारा टू व्हीलर आता है या हमारे स्कूटर आता है, मोटरसाइकिल आती है, इन सब के अंदर भी एक सर्किट लगा हुआ है जो उसके अंदर लगी हुई बैटरी को और उसके बीएमएस को पावर देता है जिससे वो बैटरी चार्ज होती है, वो सर्किट इनबिल्ट होता है। अब अगर आप अपनी गाड़ी को चार्ज करना चाहते हैं तो आपको उस सर्किट को जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो प्योर वोल्टेज 220 वोल्ट मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, पावर फैक्टर, वोल्टेज, करंट, ये सबको ध्यान रखने के लिए एसी चार्जर यूज़ किए जाते हैं। ये एसी चार्जर कौन कौन से सर? ये वाला जो चार्जर है ये 3 किलोवाट का है, यानी कि टू व्हीलर या थ्री व्हीलर अगर आपने चार्ज करने हो तो ये उसके लिए है। कितनी देर में चार्ज कर सकता है? ये बैटरी पर डिपेंड करता है, नॉर्मली जो कहा जाता है वो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे की बात करते हैं, राइट। इसके बाद ये 7 किलोवाट का चार्जर होता है। ये 7 किलोवाट का जो चार्जर है ये वो चार्जर है जो कारों के साथ या फोर व्हीलर के साथ साथ आता है, करेक्ट है, ये वो चार्जर है। इस चार्जर से आपकी गाड़ी 6-7 घंटे में चार्ज हो जाती है, चाहे वो MG की गाड़ी है चाहे वो टाटा की है। अगर हम बात करें तो MG कंपनी ने हमारे इस चार्जर को और बड़े चार्जर को भी अप्रूव कर दिया है कि ये चार्जर से उनकी गाड़ी को चार्ज करने में कोई नुकसान नहीं है, ये पूरी तरह से कंपेटिबल है, राइट। तो ये कारों को चार्ज करने के लिए, ये चार्जर हाइब्रिड होता है, यानी कि इस पर आप टू व्हीलर थ्री व्हीलर भी चार्ज कर सकते हैं और कारें भी चार्ज कर सकते हैं। ये तीनों एसी चार्जर हैं। अब आती है बात, पहले इनकी बात पहले थोड़ी सी, तो इनकी कीमत क्या है, वारंटी क्या है सर इनकी, कैसे लोग इन सब की गारंटी 3 साल प्लस की गारंटी है चार्जर की। और जहाँ तक बात आती है कीमत की, तो ये चार्जर शुरू होता है कोई 15-18 हज़ार रुपये से कम जो है, से लेकर ये चार्जर जाता है 1 लाख रुपये तक। अलग अलग मिलाकर ये तीनों चार्जर हैं, चार्जिंग स्टेशन नहीं है ये वाले तीनों चार्जर हैं, ये चार्जर हैं। अपने घर पे यूज कर सकते घर पे आप यूज कर सकते हैं, और लेकिन ये जो चार्जर है ये चार्जिंग स्टेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप देखें, हाँ जी, ये देखिए, आप एक साथ 3 गाड़ियां आप लगा सकते हैं, 1, 2 और 3 एक गन है। अच्छा, दो सामने देखे, दो सामने। हाँ जी, हाँ जी, तो आप 3 एक साथ भी चार्ज कर सकते हैं इसको इस तरीके से, और तीनों को अलग अलग दिखाता है ये कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो ये इसके बटन है जिसको भी आप दबाएंगे कौन सा हमने चल, तो इसमें जो बिल आएगा वो बिल मतलब कैसे पता पड़ेगा हमें? इसके लिए आपको एक मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। सर्वोटेक की एक ऐप है, आप वो एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है और गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। जैसे ही आप उसको लगाते हैं तो ये आपको इसका चार्जर दिखा देता है, और अगर आप इस चार्जर के पास नहीं है तो आपको लोकेशन दिखा देगा, उसका बटन दबाएंगे तो वो गूगल मैप से आपको वहाँ तक जाने का रास्ता और टाइम भी बता देगा। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको, आप किसी भी तरीके से पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, PayTM से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, तो वो उतने पैसे को उसमें होल्ड कर लेता है। जैसे पेट्रोल पंप होता है सर, पेट्रोल पंप पर जितना हमने पेट्रोल डलवाया, हाँ, उतनी हमें पर्ची मिल जाती है, करेक्ट। इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसा है, वो आपको पर्ची की बजाय आपके मोबाइल में वैसे ही आएगा जैसे PayTM की पर्ची नहीं मिलती, लेकिन PayTM पे आपको दिखता है कि पेमेंट कितनी गई, ठीक है। अब मैं आपको वो ऐप भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो ऐप दिखाता हूँ आपको जिस ऐप से आप ये काम कर सकते हैं, एडिट कर लेंगे ना। ये देखिए, अच्छा, इसने मैप खोल दिया सर। हाँ जी, इसने मैप खोल दिया, अब आप लोकेशन देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर हैं, करेक्ट। तो नीचे चार्जर दिखा रहा है आपको कौन कौन से चार्जर कहाँ पर हैं, जो सा चार्जर आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अभी ये चार्जर दिल्ली का है, अगर मैंने इसको दबा दिया तो आप इसको बुक करवाएंगे तो बुकिंग आ जाएगी,
तो ये कहता है बुकिंग करने के लिए 40 रुपये रिक्वायर्ड है। आप यहाँ से जब बटन दबाएंगे तो आप वैलेट में पैसा चार्ज कर सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं, कितना अमाउंट डालना चाहते हैं आप, ऐड अमाउंट दबाएंगे तो आपको ले जाएगा पेटीएम पे या जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं जी। तो जितना हम पेमेंट कर देंगे उतना ही नहीं, ये पेमेंट उतनी ब्लॉक कर लेगा। और जब वो पेमेंट ब्लॉक कर लेगा जितना आप चार्ज करेंगे, अगर वो कम हुआ तो बाकी का पैसा वापस कर देगा, राइट। और अगर पैसा कम पड़ गया तो जहाँ पैसा पूरा हो जाएगा ये वहाँ पर वहीं रोक देगा, करेक्ट। ठीक है, किस तरीके से ये आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसकी बात करें सर, ये भी चार्जिंग स्टेशन है। हाँ, ये भी चार्जिंग स्टेशन है। ये चार्जिंग स्टेशन है जो आजकल पेट्रोल पंप पे, ढाबों पे, सब जगह आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये तीन तरह के मॉडल हैं इसके अंदर। अगर इसकी बात करें तो सर, जैसे ये वाला चार्जर मान लो किसी भी ई व्हीकल को 6 घंटे में चार्ज कर रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? ये लगभग 1 घंटे में चार्ज कर देता है बैटरी, मतलब 6 गुना ज्यादा स्पीड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें एक ही गाड़ी चार्ज हो सकती है? इसमें एक गाड़ी चार्ज हो सकती है और इस वाले में 2 गाड़ी चार्ज हो सकती है। इसको फ्रंट से दिखाता हूँ आपको, दो दिखा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या खास बात है सर? ये डीसी चार्जर है, वो एसी चार्जर थे, ये डीसी चार्जर। जैसे हम लैपटॉप की बात करते हैं तो हमारे लैपटॉप के साथ एक चार्जर अडाप्टर आता है, तो वो चार्जर बाहर होता है, करेक्ट है। तो ऐसे ये चार्जर बाहर है, ये बैटरी को डायरेक्टली चार्ज करता है, तो डायरेक्ट हो जाता है। तो उससे क्या फायदा होता है कि बैटरी सीधी चार्ज करता है, तो ये बैटरी का टेम्परेचर कितना है, बैटरी को कितना करंट जा सकता है, सब ये दिखता है आपने यहाँ। इसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है यूनिवर्सली, यानी कि दुनिया में कोई भी गाड़ी अगर बनेगी तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फ्रीज कर दिया गया है कि उसको OCPP एक तरह का एक प्रोटोकॉल है जिसको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारे चार्जर्स OCPP कंप्लाइंट है, तीनों चार्जर। हाँ जी, हाँ जी, सारे चार्जर। और इसको ARAI ने सर्टिफाई किया है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये ARAI ने सर्टिफाई किया है जी, राइट। अच्छा तो सर, कीमत क्या होगी इसकी? ये वाला चार्जर नॉर्मली बड़े चार्जर हैं, ये लगभग चार्जर शुरू होता है 7-8 लाख रुपए से लेके और ये 50 लाख तक जाता है। तो वारंटी क्या है सर, मतलब कब तक चल सकता है वाला? ये सब जो चार्जर्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये सब ये मान के चलते हैं कि ये धूप बरसात सब में ये बाहर रोड पे लगेंगे। हाँ। तो उस तरीके से दिमाग में रखते हुए इसको बनाया गया है। ये IP54 है, इसमें ना पानी जाएगा ना कुछ जाएगा, ये सब कुछ सील है जी, करेक्ट। तो ये जो चार्जर्स हैं ये इनकी गारंटी हम लोग 3 साल की देते हैं और सर्विस गारंटी हम 7 साल की देते हैं। अगर ऐसा कोई मतलब चार्जिंग स्टेशन लगवाना चाहे तो क्या सरकार इनमें सब्सिडी भी देती है? इसमें सब्सिडी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जिसको वो ऑनलाइन गवर्नमेंट की पोर्टल पर जाके देख सकता है। और इसमें बहुत सारी सुविधाएँ दे रही है गवर्नमेंट इस टाइम, ताकि आप आराम इस पर गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है लोगों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर लगाएं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े से बड़ा। अच्छा सर, अगर इसके बात करें तो आपने बता दें कि 6 गुना ज़्यादा तेज चार्ज करेगा, तो ये वाला भी इतनी तेज करेगा या इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो? हाँ जी, हाँ ये चार्जर और ज़्यादा फास्ट है, ये 60 किलोवाट का चार्जर है, राइट। तो ये उससे भी ज़्यादा तेज है, लेकिन इसके लिए आपकी गाड़ी कितना चार्जिंग अलाउ करती है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो 15-20 मिनट में भी चार्ज हो सकती हैं, उस तरीके से भी है। अच्छा तो सर, अगर मान लो कोई जैसे पेट्रोल पंप की तरह कोई चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहे तो नॉर्मली कम से कम कितने रुपए खर्च करके वो लगा सकता है? ये डिपेंड करता है कि वो एसी चार्जर लगाना चाहता है या डीसी चार्जर लगाना चाहता है, डिपेंड करता है। डीसी चार्जर लगाना चाहता है तो कम से कम 8-10 लाख रुपए से वो शुरू कर सकता है। सर, कई कंपनियां ऐसी हैं जो खुद का चार्जिंग स्टेशन दे रही हैं, फिर 10% जिसकी जमीन में वो लगाई जा रहा है उसे 10%। सर, ये अलग अलग तरह के मॉडल हैं, हम उस मॉडल में नहीं है, हम क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं इन तरह के चार्जर में जी, तो हम चार्जर दे सकते हैं। वो मॉडल क्या है मैं उस पर बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा सर, कब से आपकी कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट बना रही है? हम लोग 1994 से हैं, 2004 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, अभी हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और हम चार्जर पे 2020 से काम कर रहे हैं। 2020 से। अच्छा, कोई आपसे संपर्क कैसे कर सकता है? कोई वेबसाइट या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? हाँ, हमारी वेबसाइट है और हमारा कॉन्टैक्ट कर सकता है। वेबसाइट क्या? हाँ, www.servotech.in। इसके अलावा गूगल पे भी सर्वोटेक ईवी चार्जर करके अगर ढूंढने की कोशिश करेगा तो आराम से हम तक पहुंच जाएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई टोल फ्री नंबर सर आपका? वो आप डायरेक्टली उस पर आराम से सर्च कर सकते हैं और फिर आपका है सर उसमें? हाँ, आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बता दें सर, तो मैं एक बार हर कोई इंसान ना पूछ पाता, मैं दे देता हूँ। ये है इसका, ये वो चार्जर है जिसमें एक साथ आप बड़ी बड़ी 2 गाड़ियां एक साथ चार्ज कर सकते हैं। ये 120 किलोवाट का चार्जर है। कितनी गाड़ी चार्ज कर सकता है? 2 गाड़ियां एक साथ लगा सकते हैं हम और दोनों गाड़ियां एक साथ चार्ज कर सकते हैं। उसकी खास स्पीड कितने देर चार्ज कर सकते हैं? ये वही है अगर आपकी गाड़ी अलाउ करती है
यानी कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है, तो ये गाड़ी 15-20 मिनट में भी चार्ज हो जाती है। 15-20 मिनट में जी कर देगा सर चार्ज? बिल्कुल कर देगा। 60 किलो एक गन 60 किलोवाट की है। अगर एमजी की गाड़ी की मैं बात करूं तो एमजी की गाड़ी 50 किलोवाट की है, राइट? तो उस तरीके से ये करीब करीब 50 मिनट में चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अलाउ करती है तो ये 120 किलोवाट है, तो सारा चार्जिंग पावर एक साइड भी आ जाती है अगर एक ही गाड़ी है। तो इसका मतलब 120 किलोवाट को अगर 50 किलोवाट के लिए चार्ज करना है तो ये लगभग 21 मिनट लेगी। अच्छा सर, टेक्नोलॉजी क्या है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चार्जिंग स्टेशन बना रही है, लेकिन आपके में से क्या खास बात है? खास बात यही है, देखो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड होती है। अगर हम बात करें कि आज मर्सिडीज में क्या टेक्नोलॉजी है या हम बात करें एमजी में क्या टेक्नोलॉजी है, तो बात टेक्नोलॉजी की नहीं होती, बात होती है रिलायबिलिटी की, कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी रिलायबल है। हम जैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, 2004 से हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हमने मार्केट को दी हैं। और अगर हम इन चार्जर्स की बात करें तो आज हिंदुस्तान के जितने भी बड़े पेट्रोलियम कंपनीज हैं सभी के पेट्रोल पंप पे हमारे ये चार्जर्स लगने जा रहे हैं, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रिलायबिलिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी, राइट? अगर कोई आपका डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है और हम खुद ढूंढ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमें चाहिए जो हमारे साथ मिलके हमारे मिशन में सहयोग दें, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें और इस तरीके के प्रोडक्ट और इस तरीके की प्रोडक्ट लाइन हम दे पाएँ। थैंक यू सर।